ये है हिंदू धर्म के चार पवित्र धामों में से एक, जहां आज भी गूंजती हैं प्राचीन कथाएं। ईस्टर्न इंडिया का शहर पुरी हर साल तैयारी करता है ईश्वर की एक दिव्य यात्रा की। जब भगवान जगन्नाथ यानी जगत के नाथ अपने भाई और बहन के साथ गर्मियों की अपनी सालाना छुट्टियों पर निकलते हैं 3 विशाल रथों पर, और इस बार 19 साल बाद भगवान एक धार्मिक रस्म के मुताबिक अपने पुराने शरीर को छोड़कर अपनाएंगे नए शरीर। तब 2 लाख की आबादी वाला पुरी का शांत नगर 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाला शहर बन जाएगा और शामिल हो जाएगा धरती पर सबसे बड़े धार्मिक उत्सवों में से एक में। ऐसा उत्सव जो पेश करता है गजब का नजारा, रंगों, संगीत की तालों और संस्कृति की अनूठी छटा लिए, जहां फिर से जी उठते हैं शिल्पकारी, इतिहास और गाथाएं। भारत का एक अलसाया सा शहर है पुरी। पुराने जमाने से ही तीर्थयात्री, जाबाज और खोजकर्ता इसके तटों की तरफ खिंचते चले आए हैं और यहाँ पुरी में भगवान जगन्नाथ के रूप में देश के 4 कोनों में मौजूद पुरी, रामेश्वरम, द्वारका और बद्रीनाथ हिंदू धर्म में 4 पवित्र धाम हैं। हर साल हजारों तीर्थयात्री भगवान जगन्नाथ के धाम की यात्रा पर आते हैं। हिंदू इन धामों को पवित्र मानते हैं और इसीलिए उनकी कोशिश होती है कि जीवन में एक बार वो यहाँ जरूर आए। इंडिया की पहचान पॉलिटिशियंस या राजाओं की बनाई हुई नहीं है, इसे तो बनाया है तीर्थयात्रियों ने हु ट्रेवल अक्रॉस इंडिया। तो किसी तीर्थ, किसी नदी या पहाड़ या गुफा की यात्रा करने की जानकारी कम से कम 2000 साल पहले से है। सो द यात्रा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया इन हिंदुइज्म। पवित्र शहर पुरी की यात्रा का विचार खास तौर पर अहम है, जहां खुद भगवान हर गर्मियों में यात्रा पर जाते हैं। इस बहुत ही मशहूर उत्सव का नाम है रथ यात्रा या चैरियट परेड। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा अपने निवास जगन्नाथ मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी तय करके पास के गुंडीचा मंदिर जाते हैं 3 शानदार रथों में। दुनिया भर से हजारों तीर्थयात्री यात्रा पर निकलते अपने प्यारे भगवान की एक झलक पाने आते हैं, मन में निर्वाण या मोक्ष पाने की आस लेकर। पुरी रथ यात्रा से 2 महीने पहले उसकी तैयारियों में जुट जाता है। तैयारियों में तेजी आती है पास की पूर्व रियासत दसाबाला से लकड़ी आने के बाद। तीन बहुत ऊंचे रथ बनाए जाते हैं, एक भगवान जगन्नाथ के लिए, एक उनके भाई बालभद्र और एक उनकी बहन सुभद्रा के लिए। हर साल शुरू से आखिर तक कारीगरों के लिए कोई लिखे इंस्ट्रक्शंस नहीं है, सारी जानकारी एक से दूसरी पीढ़ी को मुंह जबानी सौंपी जाती रही है। हैरानी की बात है कि इन विशाल रथों को आज भी हाथ से लकड़ी नापने की सदियों पुरानी परंपरा के हिसाब से बनाया जाता है। कोई भी माप 1 इंच का माप भी माप है, 1/2 इंच का माप भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। जितना भी स्ट्रक्चर है हाथ कांटे के जरिए, जो भी पार्ट्स का माप अलग अलग है, उसी
माप से पर्टिकुलर उसी माप से बना जाता है। इधर रथ बन रहे हैं और उधर मैं बढ़ता हूँ पुरी की सबसे मशहूर जगह की तरफ, जो है भगवान जगन्नाथ का मंदिर। ये मंदिर 4 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा इलाके में बना हुआ है। चारों तरफ हैं शानदार किलेबंदी करती 22 फीट ऊंची दीवार। मुख्य मंदिर की ऊंचाई है करीब 200 फीट, यानी तकरीबन मशहूर ताजमहल जितनी। मुख्य मंदिर के आसपास छोटे बड़े 30 मंदिर हैं, जिनमें हिंदू धर्म के अलग अलग देवी देवता हैं। इसके ठीक ऊपर है अष्ट धातु से बना एक चक्र, जिसे कहते हैं नील चक्र। ये चक्र प्रतीक है भगवान विष्णु के खास हथियार का, जिसका नाम है सुदर्शन चक्र। इसका एक खास मकसद और है, इसके होने से ऊंचे मंदिर पर बिजली नहीं गिरती। चक्र पर हर रोज नया ध्वज फहराया जाता है। ध्वज बदलने के लिए एक सेवक सिर्फ आस्था के सहारे जमीन से करीब 200 फीट ऊपर चढ़ता है। सिर्फ हिंदुओं को ही मंदिर में प्रवेश की इजाजत है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन हिंदुइज्म इज प्योरिटी, और यह है रिचुअल प्योरिटी, ना कि हाइजीनिक जैसा आजकल के लोग मानते हैं। यही प्रैक्टिस थी एंशिएंट रोम में भी, और ऐसा ही कुछ था एंशिएंट इजिप्ट में। कुछ लोगों को बाहर रखने की वजह थी कि आप किसी रिलीजियस प्लेस को टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं बना सकते हैं। मंदिर में प्रवेश के लिए हैं 4 विशाल बारीक नक्काशी से सजे द्वार। ये हैं सिंह द्वार, गज द्वार, अश्व द्वार और बाघ द्वार। एक समय की बात है, मध्य भारत पर इंद्रद्युम्न नाम के राजा राज करते थे। वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हें उनके दर्शन की इच्छा थी। एक दिन एक साधु घूमते फिरते दरबार में आया और राजा से बोला कि ओडिशा में भगवान विष्णु को उनके असली स्वरूप नील माधव के तौर पर पूजा जाता है। राजा ने फौरन मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को हुक्म दिया कि वो ओडिशा जाकर नील माधव की खोज करें। एक लंबे थकान भरे सफर के बाद विद्यापति ओडिशा पहुंचे। वहां उन्होंने एक कबीले के सरदार विश्ववासु को गुपचुप नील माधव की पहरेदारी करते पाया। उन्होंने विश्ववासु से विनती की कि वो उन्हें देव पूजा की जगह दिखाएं, मगर कबीले के सरदार ने इनकार कर दिया, तो विद्यापति गांव में ही ठहर गए। कुछ समय बाद उन्हें विश्ववासु की बेटी से प्यार हो गया और उसके बाद उन्होंने उससे शादी कर ली। शादी के कुछ ही दिन बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी को नील माधव की एक झलक दिखाने के लिए अपने पिता को मनाने को कहा। अपनी बेटी की जिद देखकर आखिरकार विश्ववासु मान गए, मगर एक शर्त पर, कि विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाया जाएगा। मगर विद्यापति कबीले के सरदार की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब रहे। वो रास्ते में सरसों के दाने गिराते गए ताकि राजा के साथ आने पर वो भटके नहीं। गुप्त गुफा में पहुंचकर आंखों से पट्टी हटने के बाद जब विद्यापति ने नील माधव की दिव्य छवि देखी तो वो देखते ही रह गए। उन्होंने जल्दी से लौटकर राजा को सारी बात बताई। राजा फौरन अपने प्यारे भगवान के दर्शन पाने के लिए निकल पड़े। लेकिन जब राजा विद्यापति के साथ गुफा में पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ नहीं दिखा। नील माधव अंतर ध्यान हो चुके थे। राजा का दिल टूट गया। अब राजा की किस्मत उन्हें कहां ले जाएगी? क्या भगवान विष्णु उन्हें दर्शन देंगे? ये तो वक्त ही बता सकता था। जून 2015 पुरी में अभी हर तरफ हलचल है। रथ यात्रा उत्सव में 1 महीना बाकी है, इसीलिए रथ बनाने वालों के लिए जून सबसे अहम महीना है। गर्मियों में तपते सूरज के तले कारीगर विशाल रथों पर लगातार काम करते हैं,
ताकि ये वक्त पर पूरे हो जाएं। तैयार होने पर हर रथ 40 फीट से ज्यादा यानी तकरीबन 4 मंजिला इमारत जितना ऊंचा होगा। स्ट्रक्चर बनता है जब पहले खंजर फिटिंग हो जाते हैं, उसके ऊपर पिलर लगाए जाते हैं, तो पिलर का साइज का कितना भी माप है वो नीचे से तैयार होकर डायरेक्ट लेता है, वहां से यहां से डायरेक्ट तैयार होकर वहां फिटिंग किया जाता है। कारीगर शुरुआत करते हैं विशाल पहियों से, फिर बारी आती है एक्सल की और उसके बाद बाकी की बॉडी बनाते हैं। तीन रथों के लिए कुल 42 पहिए चाहिए होते हैं और उनमें बराबरी का बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि पहियों से ही भगवान का सफर आरामदायक होगा। तीन रथों पर तीन अलग अलग टीम्स रात दिन काम करती हैं, ताकि ये विशाल रथ उस बड़े उत्सव के लिए समय पर तैयार हो जाएं। 2000 साल पहले हिंदू धर्म बड़े बदलावों से गुजरा था। उससे पहले वैदिक सिस्टम था जिसमें चीजें तय नहीं थीं और वो सिर्फ ब्राह्मण्स के लिए था। तो हिंदुइज्म ने अपने आप को रीडिफाइन किया फ्रॉम वैदिक वे टू पुराणिक वे और खुद को कहानियों के जरिए प्रेजेंट किया। उन कहानियों में तीन मेजर ग्रुप्स थे जो थे शैव, वैष्णव और शाक्त। अगर जगन्नाथपुरी के इस मंदिर की बात करें तो ये वैष्णव तौर तरीके वाला है, और वैष्णव खास तौर पर बात करते हैं जीवन के आनंद की। इसीलिए भगवान एक राजा की तरह रहते हैं, वो भरपूर जीवन जीते हैं। वो सुबह सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, शाही कपड़े पहनते हैं और हर दिन भगवान को 6 बार भोग लगाया जाता है। यहाँ के मंदिर की रसोई भी बहुत विशाल है, जो करीब 100 फीट लंबी और 150 फीट चौड़ी है। बाहर से देखने पर यह किसी किले से कम नहीं लगती। भगवान जगन्नाथ रोज 56 तरह के पकवानों का भोग लगाते हैं। लगता है भगवान को दावत बहुत पसंद है। 1000 से ज्यादा बर्तन, 600 रसोइये और सिर्फ पुराने जमाने की लकड़ी जलाने की तकनीक, इनसे बनते हैं भगवान के लिए खास पकवान। पुरी आने वाले यात्रियों को जिन चीजों में सबसे ज्यादा पुण्य का एहसास होता है, उनमें से एक है ये महाप्रसाद। मंदिर आने वाला हर भक्त बिना महाप्रसाद लिए नहीं जाता। रसोई रोजाना करीब 25,000 लोगों को भोजन कराती है, मगर क्योंकि यात्रा करीब है इसलिए दुगनी तादाद के लिए तैयारी रखनी होगी। सदियों पुरानी कहानियों, किस्सों और इतिहास ने आपस में मिलकर भगवान जगन्नाथ के इर्द गिर्द परंपराओं और मान्यताओं की एक भरी पूरी संस्कृति रचती है, जो हिंदू देवताओं में सबसे अनूठे हैं। पहली नजर में आपको वो मूर्तियां डिफॉर्म्ड लगती हैं। यू नो यू हैव अ गॉड विद सर्कुलर आईज, उनके हाथ या पैर वगैरह आपको नहीं दिखते हैं, और ये डिफॉर्मिटी आपको सरप्राइज करती है। ये किसी कबीले के देवता जैसे लगते हैं, और ये अधूरापन हमें वापस उस कहानी पर ले जाता है कि कैसे कबीले के देवता नील माधव जिस रूप में पूजे जाने लगे थे, वो थे भगवान जगन्नाथ। राजा इंद्रद्युम्न के कहने पर उनके भरोसेमंद सेवक विद्यापति भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप का पता लगाने में कामयाब हो गए, जिनकी ओडिशा के जंगलों में नील माधव के रूप में पूजा की जा रही थी। ये खबर सुनकर राजा फौरन ओडिशा की तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन जब वो गुप्त गुफा में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनकी छवि अब वहां नहीं थी। राजा उदास हो गए, मगर तभी उन्हें जैसे देवलोक से संदेश मिला कि वो पुरी जाएं, लकड़ी के उस तने को किनारे लाएं जो लहरों पर तैर रहा होगा। राजा ने संदेश का पालन किया और उन्हें पुरी के तट पर सच में पेड़ का तना तैरता दिखा। खुशी से झूमते हुए वो उसे महल में ले आए, लेकिन उस ठोस लकड़ी में से कोई भी कुछ तराश नहीं पाया, और क्योंकि किसी ने भगवान विष्णु को नहीं देखा था इसलिए कोई उनकी छवि तराश नहीं सकता था।
जब इस काम को करना नामुमकिन हो गया तो देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा एक बूढ़े बढ़ई के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राजा को भरोसा दिलाया कि वो मूर्ति को बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि 21 दिन तक कोई उनके काम में बाधा ना डाले। राजा ने फौरन शर्त मान ली। 15वें दिन के बाद रानी का सब्र टूट गया और उन्होंने राजा से दरवाजा खोलने की जिद की। राजा ये देखकर बेचैन हो उठे कि बढ़ई गायब हो चुके थे और अपने पीछे लकड़ी की अधबनी मूर्तियां छोड़ गए थे। माना जाता है कि लकड़ी की उन प्रतीक मूर्तियों जैसी ही मूर्तियां पुरी के मशहूर जगन्नाथ मंदिर में स्थापित हैं। पुरी में खूब चहल पहल है। जून के इस महीने में एक खास धार्मिक रस्म मनाई जा रही है। आज है स्नान पूर्णिमा या बेदिंग सेरेमनी। हर साल भगवान जगन्नाथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की प्रतिमाओं को बाहर लाकर पानी से भरे 108 कलशों से स्नान कराया जाता है। परंपरा है कि इस धार्मिक रस्म के बाद भगवान बीमार हो जाते हैं और 15 दिन में ठीक होते हैं। इस दौरान मुख्य मंदिर बंद रहता है और रथ यात्रा के वक्त ही खुलता है, लेकिन इस साल मंदिर 45 दिन तक बंद रहेगा और भगवान की बीमारी ठीक नहीं होगी। जुलाई 2015 रथ यात्रा में कुछ ही दिन बचे हैं। झुलसाती गर्मी के बाद बरसात ने दस्तक दी है। रथ के हर पहिए को तालमेल से काम करना होगा ताकि उत्सव बिना परेशानी के पूरा हो। रथ बनाने का काम आखिरी दौर में है। कारीगर इन विशाल रथों को अंतिम निखार देते हैं। अब बस सबसे आखिर में बनाए जाने वाले सारथियों और घोड़ों को सजाने का काम बाकी है। रथों और पहियों को ओडिशा के मंदिर वास्तुशिल्प से मेल खाते रंग बिरंगे डिजाइनों से सजाया जाता है। फिर रथों को बारीक कढ़ाई किए काले, हरे, लाल और पीले कपड़ों से ढका जाता है। पुलिसकर्मी और 150 ट्रैफिक पुलिस भक्तों पर नजर रखने और उनकी पुख्ता सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। रथ यात्रा की घड़ी नजदीक आने के साथ ही माहौल में जोश उभरने लगता है। आस्था से पैदा हुई गजब की ऊर्जा उन सब पर छाने लगती है जो दूर दराज से लंबा सफर करके इस पवित्र शहर में पहुंचे हैं। हवा में जुनून छा जाता है। मुख्य उत्सव से एक दिन पहले रथों को खींचकर उनकी जगह यानी मंदिर के सिंह द्वार के ठीक सामने खड़ा किया जाता है, जहां वो अपने दिव्य रथियों यानी सवारियों का इंतजार करते हैं। अगले दिन पर्दा उठेगा और दर्शन होंगे दिव्य भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के। आखिरकार वो दिन आ गया है जब पुरी आस्था से गूंज उठी है और एक विशाल धार्मिक केंद्र बन गई है। 19 साल बाद जगन्नाथ मंदिर में भगवान की पुरानी मूर्तियों की जगह स्थापित की गई नई मूर्तियों को बाहर लाया जाएगा नव कलेवर रथ यात्रा के लिए। तीन भव्य ऊंचे रथ, 5 स्तरीय सुरक्षा घेरा, करीब 10,000 सिक्योरिटी पर्सनल, तकरीबन 164 पुलिस प्लैटून्स और 15,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु जो महारथ यात्रा के लिए दुनिया भर से यहां आए हैं।
भगवान की मूर्तियों को मंदिर से बाहर लाने का वक्त नजदीक आ रहा है। तपते सूरज में बेसब्री से इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कोई चीज हिला नहीं सकती। तापमान बढ़ने के साथ जोश भी बढ़ रहा है। बीसवीं सदी में 1912 से शुरू करके 6 नव कलेवर हो चुके हैं। 2015 में मिलेनियम का पहला नव कलेवर हुआ है, जिसका जश्न बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। और अब वो घड़ी आ पहुंची है। दोपहर हो गई है। भगवान की मूर्तियों को उनके निवास से उस बड़े अनुष्ठान के साथ बाहर लाया जा रहा है, जिसे कहते हैं पहांडी। सबसे पहले बाहर लाया जाता है भगवान जगन्नाथ के भाई बलभद्र को। लय के साथ एक एक कदम बढ़ाते हुए, खुशी से नाचते भक्तों के जोश के साथ, ताल से ताल मिलाते हुए, फिर उन्हें उनके रथ पर विराजमान किया जाता है। फिर बारी आती है भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा की, जिन्हें तकरीबन लिटाकर उनके रथ तक ले जाया जाता है। बलभद्र और सुभद्रा के विराजमान होने के बाद भक्तों को भगवान जगन्नाथ का इंतजार है। जोश बढ़ने लगता है। ओडिशा के मृदंग की थाप पर कुछ भक्त पारंपरिक ओडिशी डांस करते हैं। भक्तों की भीड़ अपने प्यारे भगवान के दर्शन पाने को उमड़ने लगती है। आखिरकार भगवान जगन्नाथ को बाहर लाया जाता है। भक्त खुशी से झूम उठते हैं। भगवान अपने रथों पर विराजमान हो चुके हैं, मगर रथ आगे बढ़े उससे पहले एक जरूरी रस्म बाकी है, जो है छेरा पहांडा, जिसे यहाँ के राजा निभाते हैं। एक शाही जुलूस की अगुवाई करते हुए राजा रथों के पास पहुँचते हैं। इसके बाद वो सोने की झाड़ू से रथ को बुहार कर भगवान जगन्नाथ के सामने शीश नवाते हैं। अब रथों से घोड़े जोड़े जाते हैं। हर रथ से नारियल के रेशों से बने 250 फीट लंबे और 8 इंच घेरे वाली 4 रस्सियां बांधी जाती हैं। और फिर शुरू होती है भगवान की यात्रा। ये गजब का पल होता है जब रथ आगे बढ़ना शुरू करते हैं, इधर विशाल पहिए घूमना शुरू करते हैं और उधर भक्तों की भीड़ बेकाबू होने लगती है। भगवान बलभद्र के रथ के ध्वज पर ताड़ का पेड़ बना है, इसीलिए इसे नाम दिया गया है ताड़ ध्वज। ये 44 फीट ऊंचा है और इसमें 14 पहिए लगे हैं। सबसे छोटा रथ सुभद्रा जी का है, जिसका नाम है दर्प दालना, यानी अहंकार मिटाने वाला। ये 43 फीट ऊंचा है, इसमें 12 पहिए हैं और इसे काले और लाल कपड़ों से सजाया जाता है। और आखिर में भगवान जगन्नाथ का रथ 45 फीट ऊंचा और 16 पहियों वाला ये रथ, जिसे सजाया जाता है लाल और पीले कपड़ों में और इसे कहते हैं नंदी घोष। रथ यात्रा एक सांकेतिक यात्रा है। उपनिषदों में रथ का मतलब है शरीर और माना जाता है कि ये दूरी प्रतीक के रूप में उस रास्ते को दिखाती है जो शरीर
अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपनाता है, और वो मंजिल है निर्वाण या मोक्ष। भक्तों की भीड़ रथों के आसपास जमा होकर रस्से को खींचती है। ये वो नजारा है जो धर्म के सार को एक नहीं कई तरह से उजागर करता है। करीब 5 घंटे में 3 किलोमीटर की यात्रा के बाद रथ आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, जो है गुंडीचा मंदिर। भगवान की मूर्तियों को उसी जोश और जुनून से मंदिर में लाया जाता है। सात दिन यहां रहने के बाद भगवान गुंडीचा मंदिर से वापस लौटेंगे अपने निवास जगन्नाथ मंदिर में। ये ग्रैंड फेस्टिवल पूरा हुआ और अब मैं लौटूंगा वहां जहां से मैं आया हूं, और अपने साथ मैं जो लेकर जाऊंगा वो है यहां की मेमोरीज जो लार्जर देन लाइफ है, वो कहानियां जिन्होंने कई पीढ़ियों को जोड़े रखा, वो इमेजेस ऑफ ट्रेडिशन जो सदियों से चली आ रही हैं। मैं यहां से बहुत कुछ लेकर जा रहा हूं, वो आस्था में लिपटी कथाएं जो लाखों लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा